स्वास्थ्य के प्रति अधिक चिंता करना ज़रूर एक मानसिक रूप हो सकता है। अक्सर ये देखते हैं कि हमें कोई बीमारी तो नहीं, हमें कुछ हो तो नहीं गया, इस चीज़ को लेके अगर ज़्यादा सोचते रहेंगे, ज़्यादा परेशान होते रहेंगे तो एक मानसिक रोग का वो ले सकता है रूप। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक मानसिक रोग हो जाए उनको, लेकिन कभी कभी देखा गया है कि अगर इंसान बहुत ही ज़्यादा चिंतित है, कई सालों से उसे लगता रहता है कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई, मैं इन सब चीज़ों से, अगर उनको एक खांसी ज़ुकाम भी अगर लंबे समय तक रहता है तो वो सोचने लग जाते हैं कि क्यों मुझे ऐसा हो रहा है, क्यों इतने दिनों से, क्यों इतने सालों से मुझे ये दिक्कतें बनी रहती हैं। तो अगर वो ज़्यादा चिंतित रहेंगे, इस चीज़ को लेकर सोचते रहेंगे तो वो एक मानसिक रोग बन सकता है। कई लोगों का व्यक्तित्व ही ऐसा रहता है कि वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों लेके ही परेशान रहने लगना, हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत जल्दी घबरा जाना, बहुत ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाना, इन चीज़ों का देखा गया है कई लोगों में। अब उनका स्वभाव ही बचपन से ऐसा रहा है, उन चीज़ों को लेके वो हमेशा बचपन से ही ऐसे रहे हैं, तो आगे चल के उनके अंदर ये रहता है कि बहुत ज़्यादा चिंतित वो किसी चीज़ को लेके हो जाते हैं तो एक मानसिक रोग बन जाता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर उनके परिवार में, उनके परिवार वालों को कोई ऐसी दिक्कत होती है, कोई मानसिक दिक्कत होती है, वो देखते हैं अपने परिवार वालों को कि वो परेशान हैं, वो इस चीज़ से उभर नहीं पा रहे हैं, इतना इलाज करा दिया इतने सालों से तो वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको भी लगने लगता है कि कहीं थोड़े थोड़े लक्षण मेरे अंदर भी आ रहे हैं, मैं भी थोड़ी परेशान होती हूँ जल्दी, मेरे को भी जल्दी घबराहट हो जाती है, कहीं मेरे परिवार वालों के साथ मुझे भी ये दिक्कत तो नहीं होने लग जाएगी। इस चीज़ को ही लेके वो इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि वो मानसिक रोग बन जाता है। उनने देखा है कि उनकी मदद करना, उनकी वो सब चीज़ों के करने के कारण हमको भी ये सारी चीज़ें ना हो जाए, ये वाली सोच वो रखते हैं कि इन पर इतना ध्यान देना पड़ता है, इतने लंबे समय से हमने इनका इलाज कराया है, ये ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं, या इनमें धीरे धीरे असर दिख रहा है, तो उनके अंदर भी एक टेंशन, एक वो वरी होने लग जाते हैं कि कहीं ये चीज़ हमारे साथ भी ना हो जाए। और ये चीज़ सिर्फ मानसिक रोगों के साथ नहीं, कोई अगर शारीरिक दिक्कतों के साथ भी कोई अगर इंसान है, किसी कोई उनके घर में कोई ऐसा है जो कि बेड रिडन है, उनकी मदद वो कर रहे हैं, उनकी हेल्प वो कर रहे हैं, तो उनको अगर लगता है कि इनकी मदद करने के कारण भी उनको दिक्कतें हो रही हैं, उन सारी चीज़ों से परेशान वो रह रहे हैं, तो उनको लगने लगता है कि अरे इनकी भी दिक्कतें ठीक नहीं हो पा रही हैं, ये भी इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, कहीं हमारे साथ ये तो ना हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि वो मानसिक रोग को देख के ही ये करें, वो शारीरिक रोग अगर किसी चीज़ को हो रहा है उस चीज़ को लेके भी परेशान हो रहे हैं। इसलिए अक्सर जो मरीज़ भी आते हैं अपनी चिंता को लेके, अपने परेशानी को लेके, वो ज़्यादातर शारीरिक लक्षण ही हम लोगों को बताते हैं, और ये मरीज़ अक्सर बहुत सारी जगहों में दिखा चुके रहते हैं, बहुत सारे फिजिशियन, अगर उनको किसी न्यूरो वाली दिक्कत उनको लगती है, हाथ पैरों में झंझनाहट लगती है, कमज़ोरी लगती है, वो न्यूरोलॉजी के लॉजिस्ट के पास इतनी बार जाते हैं, पेट की दिक्कत वगैरह रहती है तो वो सर्जन के पास, गैस्ट्रो वालों के पास, इन सब चीज़ों के पास कई चक्कर लगा चुके रहते हैं। अब इन सारी चीज़ों से ये दिक्कत होती है कि इतने सारे डॉक्टरों को वो दिखा तो चुके हैं, लेकिन कहीं पे भी कोई ऐसा उनको कोई जो है दिक्कतें नहीं मिल पाती हैं, सारी जांचें जो उनकी होती हैं, सारी चीज़ें जो उनकी होती है वो सारी नॉर्मल आती हैं। फिर उनको ये लगने लगता है कि हमें तो दिक्कतें हो ही रही है, फिर क्यों ऐसा कारण रहता है कि हमारे इन्वेस्टिगेशंस जो जांचें सारी चीज़ हुई हैं वो सारी हमारी नॉर्मल आ रही हैं, सारी बेकार आ रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे अंदर कुछ निकल नहीं पा रहा है, इस चीज़ को लेके फिर वापस से वो ज़्यादा चिंतित होने लगते हैं कि अंत में फिर उनको एक मानसिक डॉक्टर के पास भेजा जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं चिंता के कारण ही होती है, तो ज़्यादा चिंता, ज़्यादा परेशानी वो इन चीज़ को लेके रहते हैं, इसके कारण ही अक्सर देखे गए हैं। अब इनसे बचाव कैसे कर सकते हैं, इनसे बचाव इस तरह से कर सकते हैं कि खुद के जो व्यक्तित्व है, खुद का जो स्वभाव है उनका, उसमें थोड़ा वो चीज़ों को अच्छा करने के लिए वो ये कर सकते हैं, कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं ताकि वो उनके माइंड को, उनके बॉडी को थोड़ा रिलैक्स कर सके। उसमें वो सांस की कसरत वगैरह कर सकते हैं, कुछ योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, इससे क्या है कि उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो टेंशन वगैरह है, इसमें थोड़ी कमी आती है। तो योगा अपनाना, मेडिटेशन करना एक अच्छा वो देखा गया है इन सब चीज़ों में।
दूसरा बातचीत करना, बातचीत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी अगर आपके परिवार वाले हैं, आपके दोस्त हैं, उन सब चीज़ों उन लोगों से बातचीत करना, उनको बताना कि हम इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं, क्या हमें ये दिक्कत हो सकती है, सारी जांचें नॉर्मल आई हैं, क्या हुआ होगा। इन सब चीज़ों से बात करने के कारण ये रहता है कि आप अपनी दिक्कतें बताएंगे तो थोड़ा हल्का महसूस करेंगे और परिवार वाले भी आपकी उसी तरह से मदद कर पाएंगे। तो बातचीत करना भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इन सब चीज़ों के बाद भी आपको लगता है कि नहीं आराम मिल पा रहा है, कोई सुकून नहीं मिल पा रहा है उनको अपने लक्षणों में, तो आप अपने आसपास के डॉक्टर को दिखा सकते हैं। डॉक्टर आपकी मदद करेगा आपकी टेंशन कम करने का। उसकी वजह से अगर आपको कोई घबराहट होती है, कोई उदासी रहती है, तो उन सब की दवाइयाँ जोड़ने से आपकी थोड़ी मदद मिल पाएगी, आप थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर पाएंगे। इन चिंताओं के कारण अक्सर ये भी देखा गया है कि नींद में थोड़ी कमी आ जाती है, नींद ढंग से नहीं आ पाती है, परेशान रहते हैं, तो नींद की दवाई उसमें जोड़ना, थोड़ा आपको अच्छे से रिलैक्स कर पाना, इन सब चीज़ों की मदद आपको डॉक्टरों के द्वारा भी मिल पाएगी। तो अंत में एक डॉक्टर की आप सलाह लेते हैं तो इसमें भी कोई खराबी नहीं है।